बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जान छट साड़ी अल्लाह का नाई, इसके मतलब यही बोल सकते हैं, मुंह पर छिकू लगाओ। अच्छा वैसे मैं तो पाकिस्तान में हूँ, आपको पता है पाकिस्तान में तो ये लगाया नहीं है अभी। मेरे कान वैसे सीधे हो गए जब से मैंने ये छोड़ा हुआ है, वरना आप यकीन करें सऊदी अरेबिया में मास्क लगा लगा लॉकडाउन वाला पूरा मैंने सिस्टम जो चला, जब ये लगने से पहले जब ये लगा पूरा सिस्टम, अभी तक के मामला आपके साथ लाइव शेयर करता रखा हूँ। और आप अगर मेरी पुरानी वीडियो, अगर कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जी पुराने, तो वो या मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं पुरानी लॉकडाउन जब लगा था उस टाइम के मैंने हालात भी आपके साथ शेयर किए, लाइव वीडियो बना बना के बाहर क्या सिस्टम चल रहा है। बहरहाल ये मास्क लगा लगा कर कान बाहर आ गए थे भाई, तो अभी कान कुछ सीधे हो जाएंगे। बहरहाल अभी भी ये आप खुले मकाम के ऊपर आप नहीं लगा सकते। इसके मतलब जो न्यूज़ आ चुकी है आपने अब कहीं ना कहीं देख ली होगी। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एक दो बातें जो क्लियर कट की गई हैं, और इसके अलावा जो मेरे भाई छुट्टी पर जाना चाहते हैं उनके लिए उनको क्या कुछ सूरत का सामना करना पड़ेगा। बात ये है जी कि किसी भी खुले मकाम के ऊपर आप पहले भी ये मत लगाएं, कोई मुश्किल नहीं थी। आप उथीम जा रहे हैं, हैपरपंडा जा रहे हैं, कारफोर जा रहे हैं, ये रश वाली जगह से गुजर रहे हैं, फिर आपको लगाना पड़ता था। अभी वहां पर भी खत्म कर दिया गया है। और एक चीज जो तवक्कलना मेरी तो वैसे पाकिस्तान में भी नहीं चल रही है, लेकिन सेहती चलती है पाकिस्तान में। आप तवक्कलना भी अभी आपकी आप बस मोबाइल में रखें, ठीक है। आपको आप उमरा पर जाएंगे तो आपको दिखानी होगी, यानी कि आपकी तवक्कलना चेक की जाएगी। आप मस्जिद अल नबवी जाएंगे तो आपकी तवक्कलना वगैरह चेक की जाएगी। आप एयरपोर्ट में इंटर होंगे तो आपकी तवक्कलना चेक की जाएगी। इसके अलावा तवक्कलना की भी जरूरत नहीं है यार, आप किसी भी मॉल वगैरह में किसी मार्केट में जाते हैं तवक्कलना की अभी आपको जरूरत उन मकाम के ऊपर नहीं पड़ेगी। सीधे सिंपल लफाज में मैंने आपको बात बता दी, घुमा फिरा कर ये यू या ऐसा नहीं आपको बताया। अभी छुट्टी वाले भाइयों के मतलब मैं बात करूंगा, जो मैं वीडियो बना ही इसीलिए रखा हूँ। बात ये है जी कि पहले आपको पता है जब मैं भी सफर कर चुका हूँ 2-2.5 माह पहले, तो उस टाइम वहां पर आपको PCR की रिपोर्ट चाहिए होती थी। मुझसे पहले जब मैं आया उस टाइम भी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम जिन बंदों ने भाई तीनों डोज लगवा ली थी, यानी कि बूस्टर डोज प्लस में लगवा ली थी वैक्सीन, उनकी PCR रिपोर्ट उन लोगों को नहीं मांगते थे, बशर्ते कि आप तवक्कलना वाला और सेफ्टी वाला पेपर निकलवा कर अपने पास रख लीजिए। लेकिन अभी ये सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी नहीं पूछा जाएगा। जब आप एजेंट से टिकट परचेस करेंगे ना, वहीं पर आपका इंदराज हो जाएगा कि इस बंदे को इतनी वैक्सीन लगी हुई है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा तमाम तौर वो बंदे जो छुट्टी या क्रूज फाइनल आ रहे हैं जी, कि आप अपना तवक्कलना वाला पेपर और सेहती वाला पेपर निकलवा कर वैसे आरजी तौर पर, वैसे आप एहतियाती तौर पर अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि एयरपोर्ट पर मैंने ऐसा भी देखा था कि कुछ बंदों ने नहीं निकाला था, हालांकि तीनों डोज लगवाई हुई थी, और वो बोलते थे ना PCR हमारी रिपोर्ट है, ना तवक्कलना वाला पेपर है, तो सेहती वाला पेपर था। तो उन लोगों ने वहां पर बोला था तवक्कलना वाला पेपर चेक करवाओ या तवक्कलना ओपन करके अपनी दिखाओ। तो मैंने वो मुझसे वाईफाई मांग रहे थे, पाकिस्तानी भाई थे, मैंने उनको वाईफाई दी, वो तवक्कलना ओपन करके चेक करवाई। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर अगर हम ये बोले अभी कि PCR रिपोर्ट तो पहले खत्म हो चुकी थी, जिन बंदों ने तीनों वैक्सीन लगवा ली है उनकी, अगर नहीं लगवाई है तो उनकी अभी भी चलेगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और उसके बाद तवक्कलना और सेफ्टी वाले पेपर के मुतालिक तो वो उसकी जरूरत नहीं है, अभी चेक भी नहीं होंगे, लेकिन आप एहतियाती तौर पर रख लीजिएगा। तवक्कलना आपकी एयरपोर्ट के ऊपर चेक होगी, ये मैं आपको बता दूं, मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल नबवी एंड एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर आपकी तवक्कलना चेक होगी। इसके अलावा अभी तवक्कलना से भी जान छूट गई है, और मैं मेन चीज इससे बोलता हूँ, जो बंदों के कान टेढ़े करती है इसने, इससे जान छूट।